खरगोन जिले के भगवानपुरा में पिछले 4-5 सालों से ग्राम में रुके विकास कार्यों को लेकर ग्रामवासी लामबंद हुए। सरपंच सचिव की कारगुजारी को लेकर जनपद में पंचायत निरीक्षक कमल यादव को जनपद पंचायत सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत बागदरा के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में सरपंच रंभाबाई, पति भूरेलाल वास्कले, सचिव कैलाश यादव की लापरवाही से हमारे ग्राम में विकास कार्य पिछले 2015 से रुके हुए हैं। विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, साथ ही गांव में कार्यों की जानकारी मांगने पर ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ग्राम में सरपंच सचिव ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, जिससे कि गाँव के विकास कार्यों को पिछले 4 सालों से गति नहीं मिली। भगवानपुरा से सूर्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमारे यहाँ गांव में जितने भी कार्य अभी 2015 से स्टार्टिंग में कुछ काम ही नहीं हो रहे गांव में, और जो भी काम हुए हैं वो भी सब पेंडिंग पड़े हैं। कंप्लीट तो हालांकि वो फाइल में दिखा रहा कंप्लीट, लॉगिंग के थ्रू जैसे हमने देखा था एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसमें कंप्लीट कार्य दिखा रहे, पर गाँव में कोई कंप्लीट कार्य नहीं। सरपंच सचिव ने कोई काम नहीं करवाया? सरपंच सचिव के काम है हालांकि, पर बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। गांव में हुए काम बहुत कम ही है, ना के बराबर है। विकास कार्य रुका है इसका मतलब? विकास कार्य पूरा रुका हुआ है। हाँ, और रोड की भी दिक्कतें हैं, खरंजे और खरंजा प्लस नाली जितनी भी अभी गांव में बनना था वो भी एक भी नहीं हुई है, और लगभग कुटीर के भी काम सब रुके हैं, शौचालय कुटीर, और देखा जाए तो विकास पूरा ही काम कर रुका हूँ। अभी पहली बार देने आए हो शिकायत को लेकर यहाँ तहसील कार्यालय में? पहली बार ही आए। क्या नाम आपका? प्रधान।